हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ, गुड मॉर्निंग हो गई है और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। देखिए, मैंने बोला था ना, ये मेरा गोल्ड का आने वाला है तो आ गया। देखिए, मैंने मेहंदी भी लगा ली है नाइट में। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने और आज आपको भी लिए चलते हैं। और मैंने मेरा ये वाला सूट पहना है और स्लीपर अभी मैं घर की पहने हुई हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, है ना। ये देखिए, है ना। तो चलिए चलते हैं घूमने। आज बहुत दिनों के बाद इतना तैयार होके मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, शादी में, मासी की शादी में। और मैंने देखिए ये वाला चूड़ा पहना हुआ है। ये देखिए कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो चलिए अभी रोकती हूँ मैं अपने वीडियो को और मिलेंगे आगे। और आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। सरप्राइज़ है कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। और मैंने देखिए झाले पहने हुए हैं। चलिए चलते हैं घूमने, है ना। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और बस मैं यहीं तक का वीडियो बना पाऊँगी, आगे का वीडियो नहीं बनाऊँगी, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि मैं इन लोगों तरफ की फ़ैमिली को बिल्कुल भी शेयर नहीं करती हूँ, उन लोगों को पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं, बस घूमने चल रहे हैं। मैंने अपना लुक बता दिया और बच्चे नीचे चले गए थे तो बच्चों को मैंने नहीं बता पाया। और जब इन लोगों में घूमने जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब तैयार होके जाना। और अब देखते हैं मासी किधर आएगी शादी। तो आज हम लोग मासी के इधर ही जा रहे हैं शादी में, बट अब देखते हैं फरवरी में भी मासी के इधर शादी आएगी। अभी इस फरवरी में तो बहुत सारी शादियां हैं और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए आसपास में इस तरीके के झूले लगे हुए हैं। तो बस हम लोग, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो हम लोग घूम रहे हैं। घूम नहीं रहे, मस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाइक नहीं। जी जी जी, आने दे, जल्दी जल्दी छोड़, चले छोड़ दे, नहीं आ रहे, छोड़ चल। एक्चुअली ये तरावली मंदिर है और यहाँ पर देखिए, इसका वीडियो मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाइएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देखिएगा। और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा घूम रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत ही ज़्यादा है। और फिर इसके बाद में दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह आकर के मैंने घर पर बनाया छोला भटूरा। देखिए हैवी डाइट लेने के बाद में नाइट में फिर भी हैवी खाने का मन होता है। जब हम मसाले वाला खाना खाने लगते हैं ना तो हमें हल्का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और मतलब जीभ को भी स्वाद लेने की आदत पड़ जाती है। और यहाँ पर लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च सब चीज़ को मैंने पीस लिया है। इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों को कई बार बताई है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, उस चीज़ का दुख भी है मुझे। बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी में जो नियम कायदे हमने बनाए हैं या दूसरों ने हमारे लिए बनाए हैं, क्योंकि हम लोग एक समाज में रहते हैं तो उनको फॉलो करना भी हमारी एक जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। और जो चीज़ जिसको पसंद नहीं आती उसके साथ ज़बरदस्ती करना भी गलत है। तो लहसुन प्याज हमारा भुन गया है, इसके बाद मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है। तो देखिए मसाला हमारा भुन जाएगा, इसके बाद फिर हम इसमें छोले डाल देंगे। तो टमाटर डाला है मैंने इसमें, आज आलू छोला नहीं बनेगा, सिर्फ छोले की सब्ज़ी और पूड़ी बनेगी। तो ये देखिए छोला मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगने लगता है जब मसाले में छोला मिलता है ना, तब से ही ऐसा मन होता है कि बस तुरंत प्लेट में लो और खा लो। और ये देखिए कितने अच्छे, मतलब ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के छोले थे, रात को भिगोने के बाद में सुबह बॉयल कर दिए थे। और देखिए कितने अच्छे से, मतलब एकदम जब हम दबा के देखते हैं ना तो एकदम रेस्टोरेंट की तरह मतलब दबते हैं। और इधर कढ़ाई में ऑयल रख दिया है मैंने क्योंकि आज छोला पूड़ी बनने वाला है। तो ये देखिए उधर दिख रही हैं रोटियां भी रखी हुई हैं नाइट में। और ये देखिए भाई थाली में आ गया है, यीशु की थाली में। और इसके बाद में यहाँ पर पूड़ियाँ भी रख रही है रिंकू, सर्व करने का काम रिंकू का होता है। तो ये देखिए दोनों तरह एक पूड़ी उल्टी उसने रख दी है। तो इस तरीके से छोला पूड़ी आकर बन करके हैं तैयार, आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया है कैमरा और कैमरा लगाने के बाद में अब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर सेट कर देती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा हिल रहा है और मैंने बोला कि थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर बस ठंडी बहुत ज़्यादा है और
ये देखिए यहाँ पर पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म छोला पूड़ी अगर खाने के लिए मिल जाए ना तो मार्केट की तो आप भूल ही जाएंगे। मतलब भटूरे मैंने वैसे बहुत दिन से नहीं बनाए हैं, मैदे का सामान मैं जो है कम ही बनाती हूँ और अपना आटा ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैदे का सामान खाना ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसलिए बहुत कम से कम बनाती हूँ या फिर हम लोग बाहर जा कर के खाते हैं। और बाहर का तो आपको पता ही है कि बहुत दिनों से हम लोगों ने नहीं खाया है, बाहर का खाना खाना तो पता नहीं स्वाद ही उसका ज़्यादातर ख़त्म हो गया है। अभी तो शादी पार्टियाँ चल रही हैं तो उनमें ही जाना हो रहा है। तो ये देखिए पूड़ियाँ छन करके हो रही हैं तैयार और छोले की सब्जी चालू है। सब कुछ पूड़ियाँ निकालती जाऊँगी, बच्चे खाते जाएंगे, सब लोग खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, तो बस इसके बाद मैं बसती हूँ मैं। अगर रिंकू अपना पूरा फिनिश कर देती है खाना तो फिर वो बनाती है और मैं खाती हूँ, इस तरीके से चलता है। क्योंकि पूड़ियाँ निकाल के रख लो फिर सब लोग एक साथ में खाओ तो ठंडी हो जाती है तो मज़ा भी नहीं आता है। और सुबह सुबह जब हम लोग दोपहर में खाते हैं, इस टाइम थोड़ी सी अभी तो ठंडी है, अब जब गर्मी शुरू हो जाएगी तो फिर दोपहर में भी नहीं खा पाएंगे। तो इस बार मैं मासी के घर जाऊंगी, पिछली बार मासी के घर गई थी तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और शॉपिंग करने के लिए भी जाना है, बहुत सारा सामान भी ख़रीदना है। वैसे तो हमने पिछली शादी में अपनी में ख़रीदा हुआ था सामान, तो अभी बहुत सारा सामान ख़रीदना है और शॉपिंग करना ही है। तो फिर चलेंगे मार्केट किसी दिन, शॉपिंग करके लेके आएंगे। और अभी मैं अपना वीडियो रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कॉलेज भी आना जाना है, रिश्तेदारों में भी आना जाना है, तो बट अब से अब मेरा वीडियो रेगुलर आएगा। और ये देखिए बस इस तरीके से थोड़ा सा क्या है कि फुल फ्लेम में निकाल रही हूँ मैं पूड़ियाँ, बट ज़्यादा ऑयल को जो है मैंने गरम नहीं किया है क्योंकि पूड़ियाँ जो है थोड़ी करकरी सी बनती हैं, थोड़ा सा ठंडे ऑयल में हम निकालते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से छन करके आ रही हैं पूड़ियाँ हमारी। और कल हम लोग जब गए घूमने, थोड़ा सा वीडियो क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाया, वहाँ पे झूले वगैरह थे, बहुत खुश था क्योंकि वो तरावली मंदिर के आसपास में थी, तो हम लोग तरावली मंदिर भी गए थे घूमने के लिए। रिंकू मम्मी सब लोग आए थे वहाँ पे, बट सब लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त थे तो हम लोगों ने बस थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखाने के लिए बना लिया था। हम लोग उधर दुकान साइड में गए थे तो बस इतना ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस इस तरीके से निकालती जाऊंगी और तुरंत तुरंत सब लोग खाते जाएंगे। और पूड़ियाँ निकालना इस टाइम में अच्छा भी लगता है, और जब गर्मियों में हम लोग पूड़ियाँ निकालते हैं ना तो फिर अजीब सा मन हो जाता है, हम लोग निकालते निकालते फिर खाने की इच्छा नहीं होती हम लोगों को। तो बस इस टाइम में थोड़े देर और खा लेते हैं पूड़ियाँ वगैरह, क्योंकि अब खाने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसलिए अभी मैं पूछ के आती हूँ उनसे, तो पूछने के लिए ही मैं गई थी कि पूड़ियाँ लेकर के आ जाऊँ क्या। तो बस बच्चे अपना जो है तैयार रहते हैं खाने के लिए, तीनों बैठे हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरीके से बैठते हैं तीनों खाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे खाना बना करके खिलाना, लेकिन खाने वाला थोड़ा इंटरेस्टेड होना चाहिए, थोड़ी सी तारीफ़ करना चाहिए। नहीं खाने वाले कुछ ऐसे होते हैं कि खा लिया अपना चुपचाप रहे, लेकिन हमारे घर में वैसे मेरा ईसू मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, रिंकू भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। और ये तारीफ़ तो करते हैं, पता नहीं तारीफ़ करते हैं कि क्या करते हैं, बट बोलते तो है कि खाना अच्छा था, ऐसा कभी नहीं बोलते कि खाना अच्छा था। अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो ज़रूर रिप्लाई करें, क्योंकि बोलते हैं कि खाना अच्छा था, ठीक था। तो ये देखिए बन रही है पूड़ियाँ।